से। नमस्कार, नव भारत टाइम्स ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। आपके साथ में हूँ अक्षय प्रताप। पेश है अब तक की बड़ी खबरें। हाल के वर्षों में वित्त मंत्रालय के सामने एक नई चुनौती उभर के सामने आई है, वो है पब्लिक सेक्टर बैंकों को संभालने की। पिछले 11 सालों में देश के 3 वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी, पी चिदम्बरम, अरुण जेटली पब्लिक सेक्टर बैंकों को एनपीए से उबारने के लिए 2.6 लाख करोड़ रुपए लगा चुके हैं। ये आंकड़ा 2G के अनुमानित घाटे से भी ज्यादा है। ये सरकार द्वारा इस साल ग्रामीण विकास के लिए आवंटित की गई राशि के 2 गुने से ज्यादा है। रेटिंग एजेंसी केयर के मुताबिक एनपीए की बात करें तो ऐसा नहीं लगता कि पब्लिक सेक्टर बैंकों का बुरा दौर समाप्त हो गया है। नीरव मोदी और उनके रिश्तेदारों और सहयोगी कंपनियों से जुड़े फ्रॉड में बैंकों के फंसे कर्ज की रकम 20,000 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है, जो शुरुआती अनुमान का करीब करीब 2 गुना है। इस रकम में सहयोगी कंपनियों को दिया गया कर्ज भी शामिल है, जिसे अब बैड लोन घोषित किए जाने का रिस्क है। आपको बता दें कि फ्रॉड की रकम 11,300 करोड़ रुपए रहने का अनुमान लगाया गया था। अधिकारियों के मुताबिक सरकार इसे लेकर बहुत परेशान नहीं है, क्योंकि नीरव मोदी और उनके सहयोगियों की काफी संपत्ति पहले ही जब्त की जा चुकी है। सीमा पर तनातनी के बीच पाकिस्तान की ओर से कायराना हरकतों और घुसपैठ की कोशिशों में कमी नहीं आई है, लेकिन भारतीय सेना भी पूरी मुस्तैदी से हर गलत मंसूबे को नाकाम करने में जुटी है। रविवार को LOC के पास संदिग्ध गतिविधियां देखने को मिली और आर्मी पोस्ट की ओर RPG भी छोड़ा गया। इस पर फौरन जवाब देते हुए सुरक्षा बलों ने फायरिंग की। दोनों ओर से हुई फायरिंग में सेना के 3 जवान घायल हो गए, जिन्हें बाद में अस्पताल भेजा गया। फायरिंग के बाद 4 RPG और 1 शव बरामद किया गया। पूर्व दिग्गज क्रिकेटर गुंडप्पा विश्वनाथ ने विराट कोहली की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि सबको पता है कोहली क्या कर रहे हैं, वो कमाल का प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी निरंतरता, रन बनाने की भूख, आक्रामकता कमाल की है। इसके अलावा विश्वनाथ ने कहा, कोहली लगातार शतक बना रहे हैं, उनके पास तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़ने का मौका है, लेकिन ये करना थोड़ा मुश्किल होगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और राजनेता इमरान खान 3री बार निकाह के बंधन में बंध गए हैं। पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इमरान खान की 3री पत्नी बुशरा मेनका पीर हैं। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ यानी कि PTI के चीफ इमरान की 3री शादी की चर्चा काफी दिनों से चल रही थी। शनिवार रात PTI के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से इमरान खान को निकाह की बधाई दी गई। इमरान और बुशरा मेनका के निकाह की तस्वीरें भी PTI ने साझा की। इमरान के 3रे निकाह की खबरें जनवरी में आई थी, जिसे शुरुआत में PTI ने नकार दिया था। हालांकि बाद में PTI ने कहा था कि इमरान ने अभी केवल निकाह का प्रस्ताव रखा है। दिल्ली मेट्रो पुलिस के हाथ एक बड़ी कामयाबी लगी है। उसने 2 ऐसे गैंग्स को गिरफ्तार किया है जो ज्यादातर महिला कोच में सक्रिय रहते थे। ये गैंग बड़ी सफाई से लोगों के कीमती सामान उड़ा देते थे और पता भी नहीं चलता था। पुलिस ने बताया, ऐसे गैंग 3 से 10 महिलाओं के साथ काम करते हैं। इनमें से कुछ के पास बच्चे भी होते हैं, ताकि कोई उन पर शक ना करे। वे भीड़ का फायदा उठाकर अपने शिकार के पास जाती हैं और कीमती सामान उड़ा देती हैं। इसके बाद वो सामान को लेकर दूसरी महिला को दे देती हैं, ताकि कोई उन्हें पकड़ ना पाए। अब तक के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए नव भारत टाइम्स ऑनलाइन के साथ। नमस्कार।